Good morning, dear students. How are you all? Betu, first of all, many congratulations for your best result. And you are now in the 10th standard. And as you know, I teach you the chemistry portion of your science. So, beta, in 10th standard, your science constitutes total 5 units, in which the very first unit is of chemistry, and it is chemical substances, nature and behavior. This is the very first unit of your science portion, and it contributes 25 marks in the final examinations out of 80 marks of science theory. Okay, 80 marks ka aapka total paper hota hai, theory paper science ka, usme se 25 marks 10th ki chemistry jo hai wo कंट्रीब्यूट करती है. ठीक है बेटा, केमिस्ट्री में टोटल आपके 5 चैप्टर्स हैं बेटू. ठीक है, द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. इस चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शंस की रिप्रेजेंटेशन, उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है जी, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस जो चैप्टर नंबर 1. इस चैप्टर में एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो 9th स्टैंडर्ड में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर आप लोग करके आए हो, उस चैप्टर को एक बार दोबारा से आप लोगों ने थोरली रिवाइज करना है, रीस्टडी करना है उसको, स्पेशली हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स, वो आपको आना चाहिए इसके लिए. ठीक है, अगर वो चैप्टर आपको अच्छी तरह से आएगा तभी आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से कर पाओगे. क्लियर बेटा, अगर नहीं हुआ वो अच्छी तरह से आपका चैप्टर तो फिर इसमें प्रॉब्लम आएगी. इस पर्टिकुलर चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में फिर आपको प्रॉब्लम आएगी. तो इसलिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर को एक बार दोबारा से आप लोगों ने अच्छे से रीस्टडी कर लेना बेटा. ठीक है, सेकेंड चैप्टर जो आपका 10th केमिस्ट्री का है, that is acids, bases and salts. Acid, bases and salts. तो generally जो हम normal day to day life में study करते हैं या आप लोग सुनते हो कि this is acidic, ठीक है, ये basic है, कुछ ऐसे substance आप लोग खाते हो जैसे आपको taste खट्टा लगता है, sour in taste होते हैं, कुछ bitter in taste होते हैं, या घर पे कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड सॉल्ट हो गया, आपका टेबल सॉल्ट जो होता है वो आप लोग सब्जी में डाल के हम लोग खाते हैं. तो ये सारे केमिकल स्पीशीज जो है इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. ठीक है, ओवरऑल जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हम इनकी इनको चेक कैसे कर सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी. ठीक है, हमारे पास कौन कौन से पर्टिकुलर ऐसे आप कह सकते हो मेथड्स होते हैं जिनसे हम इनकी नेचर को डिस्कस कर सके, डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस की नेचर को डिस्कस कर सके कि कौन एसिड है, कौन बेसिक है और कौन सॉल्ट है. तो इस पूरे कंसेप्ट के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 2 में स्टडी करेंगे, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. थर्ड चैप्टर आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल्स क्या होती है. इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर नंबर 3 में. फोर्थ चैप्टर है आपके पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये एक नया चैप्टर है, इसके बारे में आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में नहीं पढ़ा हुआ, कार्बन वगैरह के बारे में ज्यादा आप लोगों को नॉलेज नहीं है. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग आप कह सकते हो जो हमारी केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री के आगे जो पोर्शन होते हैं जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की आगे ब्रांचित होती हैं, 3 बेसिक ब्रांचित होती हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल. तो ये जो चैप्टर है ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस किया जाता है इस पर्टिकुलर चैप्टर के थ्रू, यहां से आपके 10th स्टैंडर्ड से ये स्टार्ट होती है.
बाकी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है बेटा ये, ठीक है। उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आल्सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक आ जाता है। उसके बाद पीरियडिक क्लासिफिकेशन है, ये इनऑर्गेनिक ही है, ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही टॉपिक है। तो मेनली टेंस की जो केमिस्ट्री है उसमें दो ही पोर्शंस बेसिकली कवर होते हैं, एक ऑर्गेनिक और दूसरी इनऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स भी इन चैप्टर्स में, कुछ टॉपिक्स बीच में यूज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो है जैसे चैप्टर डिवाइड किए गए हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बेस्ड के ऊपर ही है। तो ये फोर्थ चैप्टर से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर, मतलब आपकी ऑर्गेनिक वर्ड जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, कहने का मतलब इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है, एक्चुअल में डिफरेंस क्या है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, क्या डिफरेंस है। इस यहाँ पे हम इस चैप्टर में चैप्टर नंबर फोर में ये चीजें डिस्कस करेंगे फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर फिफ्थ पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब जैसे कि आपको पता है केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स मॉलिक्यूल्स, हम इसमें यही तो चीजें डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास इन द मॉडर्न एरा मोर देन 118 एलिमेंट्स आर देयर, 118 एलिमेंट्स से ज्यादा एलिमेंट हमारे पास है। अब ये एलिमेंट्स पहले कितने थे, ठीक है, इनिशियली किस तरह से इनको डिवाइड किया गया, इनको स्टडी कैसे किया गया, कौन कौन सी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको स्टडी किया, इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, ठीक है, यानी हिस्टोरिकल अप्रोच जो है एलिमेंट्स की, हिस्टोरिकल अप्रोच वो हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। ये आपके 10th साइंस की जो केमिस्ट्री पोर्शन है उसके ये 5 चैप्टर्स हम लोग स्टडी करेंगे, और ये टोटल 5 चैप्टर्स जो है टोटल कंट्रीब्यूट करते हैं 25 मार्क्स आउट ऑफ 80। टोटल साइंस 80 मार्क्स की होती है, उसमें से 25 मार्क्स की केमिस्ट्री होती है आपकी, ठीक है जी। इसी तरह से 25 मार्क्स के आसपास आपकी फिजिक्स पोर्शन होता है, और 30 मार्क्स के आसपास आपका बायो पोर्शन। सो बेटा ये आप लोगों का एक तरह से आप कह सकते हो कोर्स स्ट्रक्चर है बेटा ये, जो हम लोग 10th साइंस में केमिस्ट्री पोर्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है कि 9th की जो साइंस हम लोगों ने 9th की साइंस में जो केमिस्ट्री पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको एक बार दोबारा से थोरोली रिवाइज करना है, ताकि कुछ मेन कंसेप्ट जैसे मैंने अभी बताया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के केस में हम लोगों को केमिकल फॉर्मूलाज चाहिए होंगे, इस तरह एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में भी केमिकल फॉर्मूलाज चाहिए होंगे। तो केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स एटम्स की वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, वैलेंसीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, तो उनके बारे में आप लोगों ने ये डिस्कस करना है पहले 9th स्टैंडर्ड में, अच्छी तरह से डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, एटम एंड मॉलिक्यूल हो गया, ये चैप्टर अच्छी तरह से आपने दोबारा से रिवाइज करने हैं, ताकि वहां से जो हम लोग कंसेप्ट यूज यहाँ पे करेंगे उनमें आपको कोई डाउट ना हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड, ठीक बेटा। सो आप लोग थोरली चैप्टर्स को रिवाइज कीजिए। एक अनदर वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक टॉपिक्स इस बारे में जो 9th के कुछ मेन टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम लोग दोबारा से डिस्कस करेंगे। टिल देन